तो दोस्तों सीधी मुद्दे की बात करते हैं, ये तीन चीज अगर आपके पास है तो कोई भी एशियाई कंट्री आपको डिपोर्ट नहीं कर सकता है। बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, बहुत सारे लड़कों ने वीडियो डाला है कि थाईलैंड ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया है तीन तीन बार, और एक लड़का उसका चैनल है वो लिफ्ट ले लेकर जाता है, उसका कल वीडियो देख रहा था, उसने कहा पिछले साल मुझे थाईलैंड ने डिपोर्ट कर दिया था, इस साल मैं फिर से जा रहा हूं पेपर वर्क करके। तो दोस्तों इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये कंट्री डिपोर्ट कर दे तो 1% मान सकते हैं। थाईलैंड जैसा कंट्री इंडियन टूरिस्ट को अगर डिपोर्ट करता है तो वहां गलती इमिग्रेशन की नहीं है, वहां गलती हमारे पेपर वर्क की होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडियंस इतने टूरिस्ट जाते हैं थाईलैंड के, थाईलैंड की टोटल जो इनकम है उससे बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन से जाता है, क्योंकि इंडियंस बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी बीवियों से परेशान रहते हैं, और कुछ दिन के लिए आपको पता है कि थाईलैंड किस चीज के लिए फेमस है, तो एंजॉय करने के लिए थाईलैंड टूर करने जाते हैं। तो थाईलैंड कभी भी टूरिस्ट को वीजा देने से मना नहीं करता है। तो ये कौन सी तीन ऐसी चीजें हैं जो आप अपने पास रखेंगे, आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे? सबसे पहले नंबर वन, तो आपके पास $200 कैश होने चाहिए, और ये थाईलैंड की करेंसी है, जब मैं गया था तो बच गए थे। थाईलैंड की करेंसी भी अगर आपके पास 20,000 के आसपास है तो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। और सेकंड दोस्तों ये दिखाता हूं, ये मेरे पास मलेशिया का वीजा है मेरा, और ये म्यांमार का वीजा है, ऑनलाइन लिया था मैंने, और ये होटल बुकिंग है म्यांमार की, ये होटल बुकिंग है कोलालंपुर की, और ये होटल बुकिंग है खानसा रोड बैंकॉक थाईलैंड की, और ये है फ्लाइट रिटर्न टिकट एयर एशिया की। एयर एशिया की टिकट हमें सस्ती पड़ती है इंडिया से, तो ये देख सकते हैं। तो इसमें से अगर आप म्यांमार, मलेशिया या सिंगापुर जा रहे हैं तो ई वीजा आप पहले से घर से लेके जाएं। कैसे लेना है उसका वीडियो चैनल पर है, 15 मिनट में आप खुद आप घर पर बैठकर वीजा ले सकते हैं। और अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो सिर्फ आपके पास एक तो कैश होना चाहिए $200, दूसरा होटल बुकिंग होने चाहिए एक दिन की हो, भले आप बाद में कैंसिल कर दें कोई और होटल ले सकते हैं, और तीसरा रिटर्न फ्लाइट टिकट कंफर्म होना चाहिए। दोस्तों अगर आप थाईलैंड से वापस आ रहे हैं तो थाईलैंड टू इंडिया होना चाहिए, अगर आप थाईलैंड से मलेशिया जा रहे हैं, मलेशिया से वापस आ रहे हैं तो मलेशिया से रिटर्न टिकट करवाइए, अगर आप थाईलैंड से मलेशिया, मलेशिया से सिंगापुर बाय रोड जा रहे हैं तो सिंगापुर से रिटर्न टिकट इंडिया का कंफर्म होना चाहिए। ये अगर आपके पास तीन चीज है तो कोई भी एशियाई कंट्री, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो या सिंगापुर हो, आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं गया हूं बाय रोड तो मुझे किसी भी लैंड बॉर्डर पर 10 या 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगा है। थाईलैंड में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, सिर्फ मलेशिया में 2-4 क्वेश्चन जरूर उन्होंने पूछे थे कि आप कितने दिन रहोगे, आपके पास कैश कितना है और आपने वीजा कैसे लिया था, तो मैंने बोला $200 है वीजा, मैंने घर से लिया था और मैं 4 दिन कोलालंपुर रहूंगा, तो उन्होंने एंट्री स्टैंप दे दी, फिंगरप्रिंट लिए, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप डरे या आप ऐसी वीडियो देखकर नेगेटिव हो जाएं कि थाईलैंड डिपोर्ट कर रहा है इंडियंस को। तो दोस्तों अब ये कमेंट मत करना कि भाई पासपोर्ट भी चाहिए साथ में, तो दोस्तों वीजा पासपोर्ट पर ही लगता है, राशन कार्ड पर नहीं लगता है, तो पासपोर्ट ऑब्वियसली हर कंट्री के लिए चाहिए, इंडिया से बाहर आप जा रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाल बटन दबाकर, और जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।